जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। तो ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, इसमें पूरा टाइम टेबल मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो मेरी क्लासेस चल रही हैं साइंस को लेके एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें क्या क्या टाइमिंग रहेगी, क्योंकि बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन हो रखा है। मैंने स्पेशल क्लास में भी बताया, प्लस में भी बताया, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि भाई मेरी सारी क्लासेस का टाइमिंग क्या क्या होगा। ओके, किस टाइम पे कौन सी क्लास चलेगी, कौन से नए बैचेस आ रहे हैं, और कोई बच्चा बिल्कुल नया है तो वो कहाँ से फॉलो कर सकता है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बाकी वीडियोस के लिए मैंने कभी नहीं बोला, बट इसको आप क्या है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, जितना हो सके मैक्सिमम उतना शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये टाइम टेबल हर बच्चे तक पहुंच जाए, और जो नीडी है उसको, जिसको कोर्स करना है, जिसको जरूरत है, वो क्या है, यहाँ से कोर्स को कंप्लीट कर सके। ओके, सो नो योर टाइम टेबल, दैट इज साइंस क्लासेस शेड्यूल बाय श्याम सर। ओके, तो ये पूरा शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी क्लासेस का क्या क्या शेड्यूल है, किस टाइम पे चलेंगी, कितना ड्यूरेशन होगा, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। ओके, फिजिक्स का जो टाइमिंग है, या फिजिक्स का जो नया बैच है, अच्छा ये जो सारे हैं, ये तीनों ही सबसे पहले न्यू बैच हैं ये तीनों। ओके, तीनों के लिए आपके लिए क्या है, नए बैच आ रहे हैं। तो यदि आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, या अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, या फिर आप रिवीजन करना चाह रहे हैं, इससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि कौन कौन स्टूडेंट इस कोर्स को फॉलो कर सकता है। नंबर वन, यदि आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नंबर टू, आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नंबर थ्री, आप सीएपीएफ देना चाहते हैं, या फिर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। ये साइंस आपके लिए क्या होगी, हेल्पफुल रहेगी। ओके, अब ये जो बैचेस हैं, ये तीनों ही क्या है, न्यू बैच हैं। ओके, फिजिक्स का भी नया बैच है, केमिस्ट्री का भी, और बायोलॉजी का भी। चलिए, फिजिक्स का जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ये 5 फेब को स्टार्ट होने वाला है। ओके, इसकी स्टार्ट डेट क्या है, 5 फरवरी को स्टार्ट होगा ये। टाइमिंग मैं इसकी बता दूं तो टाइमिंग रहेगी इसकी आपकी 7:15 PM, ओके 7:15 बजे से 8:45 तक, जिसमें ड्यूरेशन हो जाएगा आपका 90 मिनट्स का। ओके, 1.5 आवर की ये क्या रहेगी, क्लास रहेगी। तो जो भी बच्चे फिजिक्स करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, ये टाइमिंग रहेगी। केमिस्ट्री का नया बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, 3 बजे से 4:30 बजे तक इसकी टाइमिंग चलेगी, और इसकी भी ड्यूरेशन क्या रहेगी, 90 मिनट्स रहेगी, यानी कि 1.5 आवर का सेशन होगा, और ये बिल्कुल डिटेल बैच होगा, डिटेल कोर्स होगा, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। बायोलॉजी की भी मैं बात करूं तो बायोलॉजी आपका क्या है, बायोलॉजी स्टार्ट होने वाला है आपका 14 फेब से। ओके, और ये इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी आपकी 5:35 to, दैट इज इसमें 5:35 to 7:05 तक, और ये भी क्या रहेगा आपका, 90 मिनट का ही सेशन रहेगा। तो ये तीन नए कोर्सेज मैं आप लोगों के लेके आ रहा हूँ एनडीए 2022 की प्रिपरेशन जो लोग करना चाहते हैं, और ये तीनों के तीनों जो कोर्स हैं, ये आपके फेब और मार्च में जाके, फेब चलेंगे, मार्च और मार्च के फर्स्ट वीक तक ही आपके खत्म भी हो जाएंगे। ओके, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब एक बार फिर से आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरा बैच पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, बिल्कुल नए शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल नए तरीके से आप पढ़ सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, क्या इन बैचेस में भी हमें प्रॉपर प्रैक्टिस मिलेगी जैसे हमें पहले बैचेस में थी? हाँ जी, यस, मतलब कि ये भी जो तीनों बैच आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों की मैं क्या कराऊंगा, डीपीपी डिस्कशन भी कराऊंगा, जैसे अभी तक हमने पिछले बैचेस में करते आए हैं, इसमें भी तीनों का क्या होगा, डीपीपी डिस्कशन होगा। ओके, और प्रैक्टिस कहाँ पे चलेगी, तो ये तो फिजिक्स का टाइमिंग, केमिस्ट्री बायोलॉजी, प्रैक्टिस चलेगी आपकी 12 बजे, ठीक है? तो 12 बजे जो स्पेशल क्लास होती है, स्पेशल क्लास दैट इज फ्री फॉर ऑल, और ये स्पेशल क्लासेस चलेगी। अच्छा, ये क्लासेस कब कब होंगी, तो ये आपका मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, और सैटरडे इसमें क्या हुआ करेगा, आपका टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का ही टेस्ट होगा उन्हीं के एज यूजुअल टाइम पे। तो ये टेस्ट भी क्या करना है, आपको अटेंड करना है, बिकॉज जो भी चैप्टर्स हम लोग 5 या 6 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर पढ़ेंगे, उसी चैप्टर का टेस्ट आपका सैटरडे को होगा। ओके, ये जितनी भी क्लासेस हैं ये आपकी कब चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। ओके,
मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी, सैटरडे आपका टेस्ट हो जाएगा, और टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। अब ये है कि इनका हमें लिंक कहाँ से मिलेगा या हमें किस बैच को फॉलो करना पड़ेगा, ये भी आप लोग एक बार सुन लीजिएगा। तो अभी रिसेंटली जो बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, वो हो रहा है आपका केमिस्ट्री का, ओके। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ओके, अभी। और आने वाले टाइम में वेरी सून इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फिजिक्स और बायोलॉजी का लिंक भी चेक कर सकते हैं, ओके। दे आर नॉट लाइव येट बट यू कैन चेक इट लेटर फॉर एनरोलमेंट, ओके। तो आप अभी जाके एनरोल कर लेना केमिस्ट्री के लिंक में, केमिस्ट्री के कोर्स में, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कल से इसकी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स, अच्छा बैच किस बैच में आ रही है, बैच भी मैं बता देता हूँ। फिजिक्स आपकी स्टार्ट हो रही है अग्नि बैच में, यदि आपको बैच फॉलो करना है। केमिस्ट्री आपकी हो रही है कमांडो में, और बायोलॉजी आपकी हो रही है अग्नि कमांडो, ये आपका दोनों में कंबाइंड होके चलेगी, तो इसको आप एनरोल कर सकते हैं, ओके। सो गाइज, दिस इज माय टाइम टेबल टू यू दैट यू हैव टू फॉलो फॉर योर साइंस पोर्शन। 50 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स की आती है, और मैं कह रहा हूँ कि अभी भी आप स्टार्ट करते हैं तो 150 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं, ठीक है। मतलब इतना एवरेज मार्क्स आप लेके आ सकते हैं कि आप जीएटी पोर्शन में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, ओके गाइस। तो अपना टाइम टेबल नोट डाउन कर लो, उसी तरीके से अपना टाइम टेबल सेट कर लो, ठीक है। अब होगा क्या, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स कर चुके हैं, ठीक है, उनको केमिस्ट्री करनी है, कुछ केमिस्ट्री कर चुके हैं उनको फिजिक्स करनी है, कुछ दोनों कर चुके हैं उनको बायोलॉजी करनी है। तो आपको एक दो क्लासेस जो भी लगानी है, ठीक है भाई, जिसने तीनों नहीं लगाई है उसको तो तीनों ही लगानी पड़ेगी। तो वो क्या है कि एक दो को लाइव ले सकता है, बाकी रिकॉर्डिंग करेगा, लाइव आ सकता है तो लाइव करो। बाकी बहुत सारे बच्चे जो अभी तक फिजिक्स कर चुके हैं, केमिस्ट्री कर चुके हैं, उनको बायो सिर्फ लेनी है, बायो और बायो के साथ आपकी चलेगी प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चों की फिजिक्स हो गई है, केमिस्ट्री करनी है तो केमिस्ट्री बायो वो करेंगे, केमिस्ट्री हो गई है फिजिक्स बायोलॉजी करनी है तो वो फिजिक्स बायोलॉजी। तो तीनों के टाइम शेड्यूल मैंने अपडेट कर दिए आपको, आप उसी तरीके से अपने टाइम टेबल को सेट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से अपडेट कर देता हूँ, फिजिक्स चलेगी आपकी 7 PM, 7:15 PM, ओके, और केमिस्ट्री चलेगी आपकी 3 PM, बायोलॉजी चलेगी आपकी 5:30 PM, ओके। मंडे टू फ्राइडे तीनों की क्लास होंगी, सैटरडे तीनों का टेस्ट हुआ करेगा, और संडे आपका रिवीजन के लिए ऑफ रहेगा, ठीक है। ये तीनों का टाइम टेबल है, और स्पेशल क्लास में तीनों की प्रैक्टिस, ठीक है, जहाँ भी ज़रूरी है स्पेशल क्लास में, जैसे अभी हम रगड़ा स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, तो वो फिजिक्स का रगड़ा आप लगा सकते हैं स्पेशल क्लासेस में, ओके। सो गाइज, ये शेड्यूल आप फॉलो करते हो तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आने वाले 60-70 days में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, मतलब साइंस के अंदर एज कंपैरिजन टू अनदर सब्जेक्ट, ठीक है, इन द जीएस पोर्शन यू कैन अचीव मैक्सिमम मार्क्स। दिस इज प्रैक्टिकली प्रूवन कि आप इसमें ज्यादा स्कोर खड़ा कर सकते हो कम मेहनत के साथ, ठीक है। सो डिसीजन आपका है और मार्क्स भी आपके ही होंगे, तो आप इस डिसीजन को ले सकते हो, ओके। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। ये तीनों ही बैच नए होंगे, ठीक है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, यानी कि तीनों ही नए स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो आप तीनों को ही बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक से शुरू करेंगे, पीक तक लेके जाएंगे, और तीनों में ही क्या होगा, आपका डीपीपीज आपको मिलेंगी, और डीपीपीज का डिस्कशन भी मैं कराऊंगा, आइदर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों ही क्या है आपके लिए चलेंगे, ठीक है। सो गाइज, ये नोट डाउन कर लीजिए, यदि आप नए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं किया है, तो आप तीनों को एक बार फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। ये रिपब्लिक डे ऑफर है आपका, ठीक है, जिसमें आपको 1 year के सब्सक्रिप्शन पे 6 month फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है, ठीक है, मतलब 12 month की कॉस्ट में आपको 18 month का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो ये आपका मोर देन 30% डिस्काउंट हो जाता है, ओके। एंड 10% एक्स्ट्रा के लिए यू कैन यूज द कोड SS30, ओके। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, आपका 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। कल इसकी लास्ट डेट है और कल से अपना कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो दोनों ही अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आओ एक बार अटेंड करो, विद इन द 5 days यू विल फील अ चेंज इन योर प्रिपरेशन। आपको अपने अंदर चेंज महसूस हो जाएगा कि आप जो पढ़ रहे थे और अब जो पढ़ रहे हो, उन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि खुद से करने से बेटर है कि आप किसी एडुकेटर के साथ पढ़ो, बिकॉज एडुकेटर विल गाइड यू इन द राइट मेथड, ओके। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, बाकी कोई भी डाउट है तो कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।